अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, और मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त सभी। कैसे हैं आप लोग? देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, और ख़ास तौर पे अपने वालदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और आज ऑफकोर्स खूबसूरत सा मैसेज आपके लिए, और जिस पर्सन ने ऑफ कोर्स मुझे दिया, व्हाट्सअप किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और वो आज जो मैसेज है वो ये है कि इंसान हमेशा जब भी वो ऑफ कोर्स अल्लाह पाक उसे, जब हम दुनिया में आते हैं, और पहले तो हम दुनिया से बेगाने होते हैं, हमें ना अपने का पता ना पराए का पता, और हम डिपेंडेंट होते हैं अपने माँ बाप पर और अपनी वालदा पे, जो हमें बिल्कुल बग़ैर किसी कपड़े के जब दुनिया में आते हैं, किसी भी मैटर के बिना दुनिया में आते हैं, तो हमें हमारे अपने समेटते हैं, हमें हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारी जब आगे ग्रूमिंग होती है, सबसे पहले हमारी ज़िद शुरू होती है, हमें ये चाहिए। बच्चे नहीं, जैसे दूध मांगते हैं तो ज़िद करते हैं, फिर खिलौने मांगते हैं तो ज़िद करते हैं, फिर उनकी डिमांड बढ़ती चली जाती है। फिर कुछ जैसे पता, हमारे जो अपने होते हैं, हमारी ज़रूरत ज़िंदगी भी पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हमारे लिए बेटर नहीं होती, लेकिन हमारे कुछ बच्चे जो हैं बड़े ज़िद्दी होते हैं, मुझे ये चाहिए मम्मा पापा, ये चाहिए, फिर माँ बाप उनकी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। ख्वाहिशों की तलब बढ़ जाती है जब हम बड़े होते हैं, हमारी जस्तजू बड़ी होती है। मेरा रब बहुत सारे जिसके, मेरा रब ऐसा मैं कहूँगी रहमान है, रहीम है, कि उसके खजाने बहुत ज़्यादा हैं, शायद हमें मांगना ही नहीं आता। अच्छा, अब ये बात है कि खुदा उन लोगों को भी दे रहा होता है जो उसकी इबादत नहीं करते, जो उसको नहीं मानते, लेकिन खुदा फिर भी नवाज रहे, वो देख रहे कि मैं जिसको मैंने पैदा किया है वो कब मेरी तरफ लौटेगा। अल्लाह पाक ने दरवाजे हमेशा तौबा के खोले हुए, वो देखते हैं कि मेरा जो बंदा है वो मुझे कब याद करेगा दोबारा से। फिर आखिर अगर वो नहीं करता तो ऑफ कोर्स सज़ा और जजा अल्लाह पाक ज़रूर देते हैं। उसका वादा है कि तुम एक दर्जा भी अच्छा करोगे तो मैं 70 दूंगा, लेकिन अगर तुमने बहुत गुनाह किया और तौबा किया तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, क्योंकि वो बड़ा गफूर रहीम है, रहमान है, माफ़ करने वाला है। बात कर रही हूँ कि जब जस्तुजू बढ़ती है तो क्या होता है, हमारे सामने बड़े बड़े आए और दुनिया से चले गए। ये मैं अब दुनिया की बात नहीं कर रही, इस दौर की बात नहीं कर रही, आज की पार्टीज की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ पैगम्बरान दीन की। पैगम्बरान एक जर्नी थी, एक सफ़र था, कि उस वक्त नबियों के साथ, पैगंबरों के साथ, और उस वक्त के कारून नमरूद और फिरौन थे, तो क्या हुआ था जब इतना पुराने ज़माने में मेरे रब ने क्या किया, जो जस्तजू करते थे दुनिया की लज्जतों की, तो उनका हाल क्या हुआ। बात ये करूँगी कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, बात हो रही थी कारून की, मैं ऐसे ही बात करती हूँ, मैं सबकी वन बाय वन, कि अगर इंसान को बहुत ज़्यादा तलब हो कि मेरे पास इतनी दौलत हो तो क्या होगा। दौलत अगर हम देखा जाए तो दौलत क्या कम थी कारून के पास, जिसके 40 ऊँटों पर चाबियाँ होती थी, यू नो अबाउट, और वो अल्लाह को मानता भी था, लेकिन वो ये भी मानता था कि मेरे पास दौलत बहुत है, कि मैं इस, वो अपने उस दौर का एक गॉड हूँ। और क्या हुआ, वो उन चाबियों समेत उस दौलत के साथ ज़मीन में निस्त हो नाबूद हो गया। क्या दौलत से इंसान का वकार बनता है? ये मिसाल मैंने दी है कि अगर दौलत से वकार बनता है तो कारून से ज़्यादा दौलत किसके पास थी। और फिर मैं बात करूँ कि इंसान कहता है मेरी हाकमियत हो, मैं ही हाकिम रहूं, मेरी ही औलाद हो बस, तो सोच ले हमारे दरमियान, सॉरी मैं बात करूंगी फिरौन की। फिरौन को बहुत शौक था अगर इंसान किसी के दिल पे हाकमियत कर ले तो क्या बात है, लेकिन उसने दुनिया में हाकमियत को दर्जा दिया, तो वो दर्जा क्या उसको मिला? नहीं मिला।
तो इंसान दिलों पे हाकिमियत करे, दुनिया को मार के, अपने मुल्क के लोगों को मार के क्या हाकिमियत मिलती है? तो फिर मैं बात करूंगी उस शख्स की इस वक्त के, जिसको बहुत शौक है कि मेरा डर दिल में सबके रहे। क्या डर से कोई किसी के ऊपर हुकूमत कर सकता है? नमरूद ने पूरी दुनिया में हुकूमत की। हमारे तो यहाँ पर सुपर पावर, कभी रूस तो कभी अमेरिका, अप डाउन चलता है ना, लेकिन उसने पूरी दुनिया, इट्स मीन पूरे वर्ल्ड में नमरूद ने हुकूमत की। तो क्या मतलब हुआ? आपने देखा, नमरूद ने जब ये समझा कि मुझे मानो, आई एम गॉड, तो फिर क्या हुआ? एक छोटा सा माइनर सा मच्छर, खुदा ने जब उसे हुक्म दिया कि ये नमरूद के नाक से घुस के आप इसके दिमाग को डिस्टर्ब करो तो क्या होगा? ऑफ कोर्स वो बेचैन हो जाएगा। उसने कहा मैं एक तो मच्छर इतना छोटी सी, उसकी वो अपने आप को समझा मेरी औकात क्या है। उसने कहा मेरी, और ऊपर से वो लंगड़ा भी था, अब थोड़ा सा होता है आगे पीछे हो जाए उसके लिए माजरत। तो उसने कहा मेरी क्या औकात? अल्लाह ने कहा अल्लाह का हुक्म है, आप जाओ। तो आप सोचिए कि जब नमरूद के नाक में वो मच्छर घुस गए, एक छोटी सी जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत करना कि एक बर्तरी हासिल की, वो एक छोटे से मच्छर से निस्तो नाबूद हो गया। बात ये है मुख्तसर, न कारून, न नमरूद, न फिरौन। फिरौन ने जब मूसा अलैहि सलाम पर हमला करने के लिए निकले थे तो वो आज एक डमी और एक ममी बन के रह गए, और अल्लाह पाक ने उसकी जो बॉडी है ऐसे ही रखी हुई, क्योंकि वो जब समंदर क्रॉस कर रहे थे तो वो पूरा समंदर जो है उनके ऊपर उमड़ आया, तो उसकी पूरी जितनी उसके पास फोर्सेस बहुत थी, बेइंतहा फोर्स थी, ताकत जिसे बोलते हैं, फोर्स के मतलब होते ताकत, तो सारे उसके साथ वो निस्तनाबूद हो गया। कहने का मकसद है ना हाकमियत, ना दौलत और ना ही ताकत, ये तीनों चीजें आपके वकार को, आपकी इज्जत को नहीं बढ़ाती। और ये तमाम चीजें अगर आपको हासिल करनी है, सुकून हासिल करना है, दिलों पर राज करना है, मोहब्बतें शेयर करनी है, तो फिर सोच लें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه। हमें सिर्फ नबी की सुन्नत, क्योंकि उन्होंने प्यार मोहब्बत से वक्त गुजारा। किसी ने कुछ कहा भी है ना तो उन्होंने दरगुजर किया, और आज बादशाहत है मेरे रब के हुक्म से रहमतुलिल आलमीन की। जिक्र है चाहे दुश्मन हो, काफिर हो, चाहे मुसलमान हो, ईमान रखने वाला हो या ना रखने वाला हो, लेकिन उनका जिक्र यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, एजुकेशन में हो, तरबियत में हो, अदब में हो, सबसे ऊपर मेरे मोहम्मद का नाम, हमारे मोहम्मद का नाम है। लेट्स सी आज ये मैसेज था। कभी भी आप लोग कभी भी आपके दिल में, मुझे कभी ये होता है, मुझे कभी गुस्सा आ जाता है, ऑफ कोर्स हम फरिश्ता तो नहीं है ना, मुसलमान इंसान है, और जब हमसे गलती होती है तो सबसे पहले आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें, अस्तगफार पढ़ लिया करें, हो जाता है, हमसे भी, मुझसे भी हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने आप को लौट आएँ, वापस करें, हमने भी लौट के जाना है। तो गलती हो जाए, जब मेरा रब माफ़ कर देता तो अपने आप को भी माफ़ करना सीखे। जब आप अपने आप को माफ़ करेंगे तो आपका दिल में दूसरों को माफ़ करने की तलब बढ़ेगी। गलतियाँ होती हैं, बड़ों से सीखें, अपनों से सीखें, बहन भाइयों से सीखें, इर्द गिर्द से सीखें, और एक दूसरे की इज्जत करें। ये रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। आप रिस्पेक्ट सिर्फ प्रायोरिटी को नहीं दें कि आपसे कोई बड़ी सीट पर बैठा है तो वो रिस्पेक्टेबल है। ये याद रखेगा, इज्जत सबकी इक्वल है, क्योंकि मेरे रब ने सबको बनाया। लेट्स सी, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।